आज के इस कार्यक्रम में हम अपनी हथेली के बीच में जो उंगलियां हैं उनके कोणों को देखेंगे। सबसे पहले आप हथेली को एक सफ़ेद कागज़ पर रखें और सारी उंगलियों की आउटलाइन को उस कागज़ पर बनाएं। अब ये बन गई हमारी हथेली। उसके बाद में अंगूठे की मध्य रेखा बनाएं और सबसे छोटी उंगली की मध्य रेखा बनाएं। अगर आप इसको एक प्रोट्रैक्टर से नापेंगे तो ये कोण 95 अंश का मिलेगा। ये लोगों में थोड़ा सा 2-4 डिग्री भिन्न हो सकता है। अब इसी तरह से हम देखें कि एंगल AOE यानी छोटी उंगली और अंगूठे के बीच का कोण AOE 95 डिग्री का है। उसके बाद उंगली AB, उंगली BC, CD और DE के बीच के कोण कितने हैं इनको भी हम नापेंगे। अब अगर हम छोटी उंगली और रिंग फिंगर के बीच के कोण को नापते हैं वो 26 डिग्री का है। रिंग फिंगर और मध्य उंगली के बीच का कोण 11 डिग्री का है। मध्य उंगली और तर्जनी के बीच 20 डिग्री और तर्जनी और अंगूठे के बीच का कोण 38 डिग्री है। अब अगर हम इन सारे कोणों को जोड़ते हैं 26, 11, 20 और 38 तो उनका योग भी 95 आता है, 95 आता है। यहाँ देखिए 26, 11, 20 और 38 इनका योग भी 95 है। आप इन कोणों का अपने जीवन में कई जगह उपयोग भी कर सकते हैं।